हलचल टीवी न्यूज। कुछ प्लीज हेल्प करो, मैं हूँ ही डिप्टी कमिश्नर नूं असी आदेश दे रहे हैं कि इस बेबी नूं जाके मिलन। लुधियाना दे न्यू शिमलापुरी दी रहन वाली निर्मल कौर एनी दिनी नरक भरी जिंदगी जीवन लई मजबूर है। उस दे कोल ना ता अपना मकान है अते जिस किराए दे मकान विच रहंदी है उस दा किराया देन दे वी योग नहीं है। 70 साल दी निर्मल कौर दे बेटे दी मौत 12 साल पहला हो गई सी अते उस दी पत्नी अपने दो बच्चियां नूं छड्ड के वापस चली गई सी, जिस तो बाद दोवें बच्चे दादी कोल ही रह रहे ने अते परिवार नूं दो वक्त दी रोटी तक नसीब नहीं हो रही। एथो तक कि निर्मल कौर टीबी दी मरीज है अते मकान मालिक ने घर खाली करन लई कह दित्ता है, जिस करके सोशल मीडिया ते इस दी वीडियो वायरल होई। एह मुख्यमंत्री पंजाब तक वीडियो पहुंची अते उन्हां ने पीड़ित परिवार दी मदद दा ऐलान कर दित्ता। घर कोलों मंगनी आ वी मेरे बच्चियां दी सहायता मिले, मैनूं इन्हां दी पढ़ाई दा सरकार सहायता दवे, भी मैनू थां गेठ बहन नू दे दवे, बेटे बजुर्ग जनानियां मेरे को काम नहीं होणुंदा, बेटे मैं मेटर बच्चे लैके बैठी हूँ, बेटे मेरा ठेडी जाड़दा, मैं कितना सारी सारी रात मैं सौंदी नहीं, बेटे मैं उठ के कभी बह जाती हूँ कभी पै जाती हूँ, बेटे मैनू कभी चैड आउंदा भी मेरे किराया मैं कितों दऊंगी रात नू, ये गल कह के मैं सौनी हाँ बेटे, फिर सारा दिन था मेरी सोचा च लंघदी भी मैं बीमार हाँ भी मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा बेटे, बेटे ये गल्ला मैं सोचती रहनी हूँ बेटे, मेरा कोई सहारा नहीं गा अज बेटे, मैं इन्हों लैके बुकल च लैके बैठी रात में चैन नहीं आता बेटे, इन्हों मैं आखनी इन्हों का माँ प्यो हों इना जिम्मेवारी चकदा, बुजुर्ग मैं जनानी है बेटे मेरे को हूँ कोई मेहनत नहीं होंगी, मैं मेहनत नहीं होंगी, पहले मैं घर का काम करती सी, फिर मैं फैक्ट्री च लग गई, फैक्ट्री हूँ बेटे मैनू दुख जैसा लग गया, मैनू टी वी की शिकायत हो गई सी, तो बेटे वो मेरी दवाई चलती है तो सिविल हस्पतालों, तो बेटे मैनू हूँ ना कि जेडे बाहरों मैं दवाई लैनी हाँ वो 80-90 रुपए की आँगी, मैं किनू रोज़ कह मैनू दवाई लैके दो 80-90 रुपए की, तो मेरी कलवंत सिंह ने मदद की है, कलवंत बेटे ने राशन दे के जाता सी, तो कलवंत बेटे ने ऐतकी किराया दिता मेरे मकान का, तो बिजली के बिल का वह कहिंदा कोई नहीं सहारा बना देंगे बेटे, माता जी घबराओ ना तुसी ना रोवो, मैं राशन दे के चला, वो मैनू थोड़ा जा राशन है कि दे के गए सी, कहने माता जी मेरे को पैसा नहीं है जे बने किसे पासे हो, ते दो किलो खंड दे गए सी, ते ओ दे के गए 5 किलो आटा दे के गए सी, ते बेटे इन्ना जिन्ना जोगा वो देखो होया है तो वह मैनू दे के गया राशन, तो बच्चों की पढ़ाई बहुत औखी, बच्चे इस टाइम घर बैठे ने, तो बेटे सरकार इन्हों बच्चों मदद दे, इन्हों की पढ़ाई का सोचे, इन्हों बुक फीसा दाखले देन, तो नाले बेटे इन्हों बुक मिल जाए, ये इस टाइम घर बैठे बच्चे अधूरे हो के कम, तो मेरा इको एक पोता है वह अडुलिया पिया भी मैं इन्हों कि दादी पोते वेखा, तो बेटे रेहड़ी छोटी जी लाई है तो वह भी कोई मदद करके गया भी कहिंदा चल बीड़ियां सिगटा उन्हें पातियां सानू, तो असी बेटे वह चलाने साडा दुध का खर्चा, तो किसी टाइम सब्जी का निकल आउंदा, तो अज 5 दिन हो गए सब्जी नहीं साडे बनी, तो चौल रिन्ने आ गल हदूरे ना करे भी मेनू गिठ थां ही भावे लै दे, ते ओ जाने मैं अपने बच्चे अपनी बुकल थले लैके अपने घर बह जावा, ते मेनू ए ना चिंता होवे भी हाई मैं किराया देना मैं बिल देना आ, वो जाने मेरा इन्ना क मैनू गिठ बहन थां दे देवे, साडी पढ़ाई नहीं चल रही ना, पिछों फीस भी नहीं आ रही, असी 7वीं क्लास च होए हाँ तो एडमिशन वगैरह सब कुछ रुकिया हुई, साढ़े को कॉपी पेंसिल बुक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो अगर सर कह रहे असी फिर नोटबुक्स बनानिया ने, तो बाकी साडा
घर की हालत बहुत खराब है। तो कैप्टन सरकार कहते मकान लैके देवे भी उही साड़ी साढ़े पापा भी नहीं है ना मम्मा व पापा नू पूरे होए 10-12 साल हो गए ने मम्मा उदो छड़ के चल गए सी दोबारा आए नहीं है। तो मकान वालों कहते सरकार अंकल ने तो उ कहने भी थोड़ी जी लै दे जगह हाँ जी बुक्स वगैरह कुछ नहीं हो गए सर कहते बुक्स हो गए तो ही अगर 7वीं क्लास का काम एक अंकल आए से बीड़िया सिगटा की दुकान तक गए से वह वीरा मेरा उ बैठा रहा सवेरे रात को सवेरे 7 बजे तो लैके रात को 9-10 बजे वधाई दी है अपना फ्यूचर बनाईए जिन्नी हुण माड़ा टाइम लंघ गया लंघ जाए। परिवार जिस हालातों तो लंघ रहा है शायद शब्दों च बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मुख्यमंत्री पंजाब ने परिवार की मदद का ऐलान तो जरूर कर दिता है पर एक बुजुर्ग लई अजिहे हालात क्यों पैदा हुए साडे समाज विच इह सवाल खड़े करदा है।